मूवी की शुरुआत 1959 में होती है, जहां लुसिंडा नाम की एक बहुत ही शांत लड़की को दिखाया जाता है। स्कूल में अभी लंच टाइम चल रहा है और बाकी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन लुसिंडा सबसे दूर खड़ी हुई है और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। उनकी टीचर मिस टेलर बच्चों को वापस स्कूल में जाने के लिए कहती है। मिस टेलर को लुसिंडा को अलग से आवाज़ देनी पड़ती है क्योंकि पहली बार उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अगले सीन में टीचर को क्लासरूम में दिखाया जाता है। वो सभी बच्चों को याद दिलाती है कि कल उनके स्कूल का ऑफिशियल ओपनिंग डे है। वो आगे कहती है कि स्कूल ओपनिंग डे में एक कॉम्पिटिशन रखता है जिसमें बच्चे ड्राइंग बना के ये बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सारे बच्चे बड़ा एक्साइटेड होकर अलग अलग चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, लुसिंडा को छोड़ के, जो अपने पेपर पे रैंडम नंबर्स लिखे जा रही है। इससे पहले कि वो सारे नंबर लिख पाती, टाइम ख़त्म हो जाता है और मिस टेलर सभी ड्राइंग्स कलेक्ट कर लेती है। सभी बच्चों के ड्राइंग को एक टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया जाएगा जिसे 50 साल बाद खोला जाएगा। आज उनके स्कूल का ओपनिंग डे है। प्रिंसिपल सबका वेलकम करता है और टाइम कैप्सूल को दफनाने की अनाउंसमेंट करता है। 50 साल बाद प्रेजेंट प्रिंसिपल कैप्सूल को बाहर निकाल के देखेगा कि बच्चों ने उनके लिए क्या दफन किया था। कैप्सूल के दफन होते ही मिस टेलर ये नोटिस करती है कि लुसिंडा अपनी जगह में नहीं है। सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। मिस टेलर बेसमेंट में जाके देखती है तो उसे वहाँ कुछ आवाज़ आती है। वो जैसे ही एक दरवाज़ा खोलती है, उसे डरी हुई लुसिंडा मिलती है और उसके हाथ में खून लगा हुआ है। लुसिंडा ने अपने हाथ का यूज़ करके डोर पे कुछ नंबर्स लिख दिए थे। ये वही बचे हुए नंबर्स हैं जो वो कल अपने ड्राइंग शीट पे नहीं लिख पाई थी। वो बहुत ही डरी हुई है और मिस टेलर से कहती है कि उसे अभी भी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। अब 50 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन नाम का एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट अपनी वाइफ के मरने के बाद पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया है। जॉन की वाइफ की मौत एक फायर एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद से ही जॉन को समझ नहीं आ रहा कि वो अब जी के भी क्या करेगा। जॉन का कैलेब नाम का एक बेटा भी है, वो भी अपनी माँ की मौत को भुला नहीं पा रहा है। अगली सुबह कैलेब के स्कूल की प्रिंसिपल 50 साल पहले दफनाए गए टाइम कैप्सूल को निकालने की अनाउंसमेंट करती है। प्रिंसिपल फिर बूढ़ी मिस टेलर को रिबन काटने के लिए बुलाती है। उस कैप्सूल को खोल के एक एक एनवलप सभी बच्चों को दे दिया जाता है। कैलेब को लुसिंडा का एनवलप मिलता है। वो खोल के देखता है कि उसमें कोई ड्राइंग नहीं बनी बल्कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उन नंबर्स को देखते वक्त कैलेब को किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है और उसे दूर कोई खड़ा हुआ भी दिखता है। लेकिन जब वो फिर से चेक करता है, वो इंसान गायब हो गया था। घर पे कैलेब जॉन से अपने फ्रेंड के घर रात में रुकने की परमिशन मांगता है। बात करते वक्त जॉन कैलेब से स्कूल में मिले पेपर के बारे में पूछता है। कैलेब गलती से उसे अपने साथ घर ले आया था। कैलेब के सोने के बाद जॉन फिर से उन नंबर्स को देखता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। वो गलती से उस पेपर पे विस्की का ग्लास रख देता है, जिस कारण उस पेपर पे कुछ नंबर्स के आसपास एक सर्कल बन जाता है। जॉन फिर उन नंबर्स को अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख देता है और उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि वो एक डेट है, September 11, 2001, जिस दिन न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पे अटैक हुआ था और 2996 लोग उस अटैक में मारे गए थे। जॉन को लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसलिए वो उस पेपर के सारे नंबर को अपने बोर्ड पे लिख देता है और उनका मतलब पता करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि वो सारे नंबर्स किसी न किसी तरह की बुरी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं और ये सब डिटेल्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस पेपर पे लिखा हुआ है। जॉन उन घटनाओं के डेट को रेड कलर से सर्कल करने लगता है और उनमें मरे लोगों के काउंट को ब्लू से। लेकिन उस लिस्ट में अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसका मतलब जॉन को नहीं समझ आ रहा। अगले दिन जॉन अपने कलीग फिल से उन नंबर्स के बारे में बताता है। वो फिल से कहता है कि उस पेपर में डेट्स और मरे हुए लोगों की गिनती पास्ट में हुए बुरी घटना से पूरी तरह मैच करती है। उस पेपर में तो उसके वाइफ के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उस बारे में भी डिटेल्स सही लिखी हुई है। जॉन उससे फिर कहता है कि 3 नंबर के सेट उसे समझ नहीं आ रहे क्योंकि उनमें डेट फ्यूचर की है, जिस हिसाब से कल के दिन 81 लोग की मौत होने वाली है। फिल को जॉन की कोई भी बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि कोई जॉन के साथ एक प्रैंक कर रहा है। लेकिन जॉन कैसे भी करके उन बचे हुए नंबर्स के बारे में पता करना चाहता है। वो फिर मिस टेलर के पास चले जाता है, जो कि 1959 में लुसिंडा की टीचर थी जब उस टाइम कैप्सूल को दफन किया गया था। वो टेलर से ये पूछता है कि ये लेटर असली है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, जिस पर टेलर वो लेटर देख के कंफर्म कर देती है कि वो लेटर लुसिंडा ने ही लिखा था। वो फिर जॉन को लुसिंडा के खून से लेके बाकी नंबर्स के बारे में भी बताती है। ये सुनते ही जॉन लुसिंडा से मिलना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले ही उसने अपनी जान ले ली थी। जॉन फिर घर जाके उस लेटर के बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक कार में 2 लोग उसके घर के आगे आके रुक जाते हैं और कैलेब को अपने पास बुला के एक काला पत्थर दे देते हैं। ये देखते ही जॉन डर जाता है और कैलेब को समझाता है कि आगे से किसी भी स्ट्रेंजर से कोई सामान मत लेना। लुसिंडा के मौत के बारे में रिसर्च करते वक्त जॉन की सिस्टर उसे डरा देती है। ग्रेस चाहती है कि जॉन अपनी फैमिली से मिलने जाए क्योंकि जॉन ने लंबे टाइम से अपने फादर से बात नहीं की थी, पर जॉन ग्रेस से साफ मना कर देता है। जॉन की अपने पेरेंट्स से कुछ खास बनती नहीं है,
क्योंकि उन लोगों को भगवान पे अंधा विश्वास है। वहीं जॉन किसी भी भगवान को नहीं मानता। अगले दिन केलब को स्कूल से पिक करते वक्त जॉन ट्रैफिक में फंस जाता है। वो GPS में स्कूल जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, पर सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। अपने GPS में कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए जॉन को ये रियलाइज़ होता है कि उस पेपर में लिखे जो नंबर्स जॉन को समझ नहीं आ रहे थे वो एक्चुअल में उस जगह के कोऑर्डिनेट्स थे जहाँ पे एक ट्रेजेडी होने वाली है, और जॉन अभी एग्जैक्टली उसी जगह में है। वो अपनी कार से निकल के ये पता करने की कोशिश करता है कि जैम क्यों लगा हुआ है। एक पुलिस वाले से बात करते वक्त वो प्रिडिक्शन सच हो जाता है। एक एरोप्लेन अचानक से वहाँ आके क्रैश हो जाता है। इसे देख जॉन दौड़ के प्लेन में फंसे लोगों की हेल्प करने जाता है। कुछ देर बाद जॉन घर वापस चले जाता है, पर जो उसके साथ आज हुआ उस पर वो बिलीव नहीं कर पा रहा है। जॉन ऑनलाइन जाके इस एक्सीडेंट के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन क्रैश में एग्जैक्टली 81 लोग मारे गए थे। यही नंबर केलब को मिले पेपर में भी लिखा हुआ था। उस रात एक आदमी केलब के रूम में आ जाता है। वो केलब को विंडो से बाहर देखने के लिए कहता है, जहाँ देखा जा सकता है कि बाहर एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है और सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है। ये देखते ही केलब जोर से चिल्लाता है। जॉन दौड़ के उसके रूम में चले जाता है और देखता है कि केलब बहुत ज़्यादा डर गया है। जॉन को फिर वो आदमी विंडो से भागता दिखता है। जॉन उसके पीछे जाता है पर वो अब गायब हो गया था। अगली सुबह जॉन एक औरत का पीछा करके एक म्यूजियम में पहुंच जाता है। वहां पहुंच के जॉन उससे मिलने जाता है। उसका नाम डायना है और वो लुसिंडा की बेटी है। जॉन फिर उसे एक्सप्लेन करता है कि वो बहुत दिन से उसे मिलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लुसिंडा के बारे में और जान सके। लुसिंडा का नाम सुनते ही डायना बहुत अपसेट हो जाती है। जॉन फिर डायना को एक्सप्लेन करता है कि लुसिंडा ने जो भी प्रेडिक्शन किए थे सब सच निकले थे और उसका आखिरी प्रेडिक्शन 3 दिन बाद ही होने वाला है। 19 अक्टूबर को 33 लोगों की मौत होने वाली है। जॉन डायना से उन लोगों को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, पर डायना वहाँ से अपनी बेटी एबी के साथ ये कहकर निकल जाती है कि वो जॉन की कोई हेल्प नहीं कर सकती। घर वापस पहुँच के जॉन देखता है कि TV में एक पॉसिबल टेररिस्ट अटैक के बारे में बताया जा रहा है। जॉन फिर GPS कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके अगली घटना के बारे में ढूंढने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि वो लोकेशन एक सबवे ट्रेन स्टेशन की है। जॉन तो वहाँ की पुलिस को वार्न करने की भी कोशिश करता है। जॉन फिर जल्दी से उस सबवे स्टेशन में पहुँच जाता है और एक आदमी पे शक होते ही जॉन उसका पीछा करने लगता है। तभी एक पुलिस वाला उस आदमी को रोक देता है। उन्हें तब पता चलता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है बल्कि एक मामूली सा चोर है। वो ट्रेन आगे बढ़ने के लिए रेडी है, पर तभी सब देखते हैं कि सामने से आती एक ट्रेन पटरी से उतर गई है। सभी अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से भागने की कोशिश करते हैं। उस ट्रेन ने कई लोगों की जान ले ली है और लुसिंडा का प्रेडिक्शन फिर से सही निकला। अगले सीन में जिंदा बचे लोगों को स्टेशन से बाहर जाते दिखाया जाता है, जिसमें जॉन भी है। घर पहुंच के जॉन ये देख के सरप्राइज्ड है कि डायना और उसकी बेटी जॉन का वेट कर रही है। वो जॉन को ये बताती है कि लुसिंडा के प्रेडिक्शन के हिसाब से लास्ट डिजास्टर 19 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें डायना की भी मौत होने वाली है। डायना पहले जॉन से इस बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो ये सब सुन के बहुत डर गई थी। डायना फिर जॉन को लुसिंडा के पुराने घर में ले जाती है, जहाँ पे वो सभी पहचान वालों से छिपके रहती थी। घर के अंदर जाके वो लिस्ट फिर से देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि 19 अक्टूबर के बाद के दो नंबर्स 33 नहीं है, बल्कि वो तो उल्टी तरीके से EE लिखा हुआ है, जो उन्हें लगता है कि किसी का नाम हो सकता है। जॉन फिर लुसिंडा के बेडरूम में छान मारता है तो उसे EE का मतलब पता चलता है। लुसिंडा ने प्रेडिक्ट किया था कि 19 अक्टूबर को सभी लोग मरने वाले हैं। उसे लुसिंडा के घर में बहुत से ब्लैक स्टोन्स भी मिलते हैं। ये वैसे ही स्टोन्स हैं जैसे एक आदमी ने केलब को दिए थे। घर के बाहर केलब और अभी कार में अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं। तभी एकदम से उन्हें किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। फिर उन्हें कार के बाहर कुछ लोग भी नजर आते हैं। वो आवाज़ उन्हें बाहर खड़े लोगों के साथ जाने के लिए कह रही है। एबी उनके साथ जाने ही वाली थी कि तभी केलब कार का हॉर्न बजा देता है। ये सुनते ही जॉन और डायना दौड़ के बाहर आते हैं, और तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुके थे। लेकिन तभी जॉन को उनमें से एक आदमी दिख जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद जॉन उस आदमी तक पहुँच ही जाता है। जॉन उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। ये सुनते ही वो आदमी अपना मुंह खोलता है, जिससे एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकलने लगती है। फिर वो एकदम से गायब हो जाता है। वो लोग फिर जॉन के घर वापस आ जाते हैं। उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि लुसिंडा ने यह प्रेडिक्ट किया था कि कल पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और आज उनका आखिरी दिन हो सकता है। अगली सुबह जॉन उठते ही एबी की ड्राइंग देखता है। एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि अगला डिजास्टर सन से रिलेटेड हो सकता है। उसे लगता है कि सन से हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स निकलने वाली है जो पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देगी। वो जल्दी से ऑब्जर्वेटरी में चले जाता है और सन से निकलने वाली रेज की रीडिंग चेक करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि सन से अभी एबनॉर्मल रेडिएशंस निकल रही है। उसे लगता है कि बहुत जल्द सूरज से आग बरसने वाली है, जिस वजह से सारे इंसान मारे जाएंगे। वो लोग जॉन के घर वापस आके ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक अंडरग्राउंड केव में जाके छिप जाएंगे, जहाँ डायना बचपन में खेला करती थी। जॉन निकलने के लिए रेडी है।
वो फिर केलब को बुलाने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो भी एक पेपर पे बहुत से रैंडम नंबर्स लिख रहा है जैसा लुसिंडा ने लिखा था। केलब के नंबर देख के जॉन को ये चीज़ याद आती है कि उन्हें तो वो नंबर्स पता ही नहीं है जो लुसिंडा ने अपने खून से डोर पे लिखे थे। इसलिए वो स्कूल जाके वो नंबर्स ढूंढने की कोशिश करता है। जॉन को वो डोर मिल जाता है, फिर वो उस डोर को उठा के घर वापस लाने लगता है ताकि 50 साल पुराने खून से लिखे नंबर देख पाए। डायना को लगता है कि जॉन टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सूरज का तांडव शुरू होने से पहले कैसे भी करके गुफा के अंदर चले जाना चाहती है। इसलिए वो जॉन को पीछे छोड़ दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। जॉन को फाइनली वो नंबर्स मिल जाते हैं और उसे लगता है कि वो नंबर्स उस जगह के कोऑर्डिनेट से जहां वो सूरज से बच सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि डायना और बच्चे गायब है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। डायना थोड़ा आगे जाके एक पेट्रोल पंप में रुक जाती है और वहां सुनती है कि गवर्नमेंट लोगों को किसी अंडरग्राउंड जगह जाने की अनाउंसमेंट कर रही है। डायना फिर वहां से जॉन को कॉल करती है और उसे अपनी लोकेशन बताती है। तभी जॉन उससे कहता है कि कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेफ लोकेशन लुसिंडा का पुराना घर है। डायना बहुत डरी हुई है, इसलिए वो जॉन को वहां जाने से साफ मना कर देती है। वो जॉन से बात ही कर रही थी कि तभी एक आदमी उसकी कार चुरा लेता है और बच्चे अभी भी कार में ही है। डायना भी एक कार चुरा के उस आदमी का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देती है, उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। जॉन के आते ही डायना अपनी आखिरी सांस लेती है। अभी एग्जैक्टली 12 बजे हैं। लुसिंडा का प्रेडिक्शन फिर से सही निकला। जॉन फिर से लुसिंडा के पुराने घर में चले जाता है। वहाँ उसे जंगल में जाने का एक कच्चा रास्ता मिलता है। उसे वहाँ पे बहुत से काले पत्थर भी मिलते हैं जैसे उसे लुसिंडा के घर पे मिले थे। जॉन को वहाँ पे वो अजीब आदमी फिर से मिलता है, वो तो उसे शूट करने की वार्निंग भी देता है। अचानक से केलब वहाँ आके जॉन को रोक लेता है। वो जॉन से कहता है कि ये लोग शुरू से ही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे और अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो उनके साथ जाना होगा। यहाँ पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिनकी फुसफुसाने की आवाज़ लुसिंडा सुन रही थी और इन्होंने ही उसे वो नंबर्स एक पेपर पे लिखने के लिए कहा था ताकि आज के दिन इंसानों को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाया जा सके। कुछ देर में ही आसमान में एक स्पेसशिप जैसी चीज़ देखी जा सकती है। जॉन को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, अब जाने का टाइम आ गया है और वो लोग अपने साथ सिर्फ बच्चों को ही ले जाएंगे। ये सुनते ही केलब रोने लगता है और जॉन उसे गुड बाय कहकर उन लोगों के साथ भेज देता है। आगे बढ़ते हुए उन लोगों की बॉडी शाइन करने लगती है और कुछ देर में ही उनकी स्पेसशिप वहाँ से निकल जाती है। तभी दुनिया के बाकी हिस्सों से भी वैसी ही स्पेसशिप ऊपर आने लगती है। जॉन की नींद सुबह उसी जगह खुलती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के अपने फादर के घर जाने लगता है। उसकी सिस्टर दरवाज़ा खोलती है और उसे हग करने लगती है। तभी जॉन उसे बताता है कि केलब सेफ है। वो घर में एंटर करता है और अपने फादर को हग करने लगता है। फिर उसकी माँ और सिस्टर भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद करने लगती है और कुछ देर में ही जॉन की फैमिली को भी ख़त्म कर देती है। मूवी के एंड में उस स्पेसशिप बच्चों को एक नए प्लैनेट में उतार के वहाँ से चली जाती है। केलब और एबी को वहाँ एक बड़ा सा पेड़ दिखता है और वो लोग उसी की ओर भागने लगते हैं।